जिन लोगों को ड्यूटी है वो केवल खड़े हो सकते हैं, बाकी लोगों से मेरा भी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं कुछ क्षण में पहुंच जाएंगे और मैं गुजारिश करूंगा, रहोगे दूर चौखट से तो फिर खोना ही खोना है। इस चौखट से दूर रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। रहोगे दूर चौखट से तो फिर खोना ही खोना है। तेरी किस्मत में है शर्मा तो फिर रोना ही रोना है। दुनिया के पास जाते हैं मांगने के लिए, दुनिया के पास जाते हैं हम मांगने के लिए, तो ये कुछ ना देगी। चले आओ इस ज्ञानालय में, चले आओ इस ज्ञानालय में, क्योंकि बाहर पीतल ही पीतल है और इधर सोना ही सोना है। When I was in my schools, I come from South in fact. चौधरी देवलाल जी के बारे में बहुत पढ़ाई किया है, तो आज इतना खुशी है, ये स्थापना दिवस है, यही दिन इनके नाम पर यहाँ आके इनकी यूनिवर्सिटी में इसका चीफ गेस्ट बन के आया है, सो आई कंसिडर दिस एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई नो हिम एज ए ग्रेट लीडर, पर्सन लीडर एंड a developer of the state. So I also want to enjoy with them today. Thank you. We are going to celebrate our foundation day. This university was established in the name of Chaudhary Devilal, who was a stalwart peasant leader, who always have been playing a very dominant role, decisive role for the mobilization of the common masses. He was a Jannayak. And this university has been established, founded in his name, in his for the sake of his philosophy. And we are going to celebrate it. We are going to admire his activities and what we have achieved as an institution of higher learning in academic field, in research fields. We are going to share all those achievements. We are going to honor, award our individual students, our teachers, our faculty members, our departments, our various departments, etc. etc. हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत जी, कुलपति दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सोनीपत, हमारे विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर असीम विज्ञानी जी, हमारे मुख्य अतिथि के लिए जिनके आ जाने से देखिए, क्योंकि जिनकी महफिल है वो महफिल में जरूर आते हैं, ये ज्ञान वो महफिल में जरूर आते हैं, जब वो आएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे। इनके मुख से कहा हुआ कोई भी शब्द कभी भी हमारी जिंदगी में जीवन संग्राम में कूदने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और इनके मुख से कहा हुआ कोई भी शब्द, इनकी नजर इनायत, अगर मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर
आरती गौर जी को कुछ ही शब्दों में हमारे मुख्य अतिथि और हमारे कुलपति महोदय उनका अभिनंदन आभार व्यक्त करेंगे।